तो नाइट आई की जो लाइट आनी थी वो आ गई है बैंगलोर से, और देखते हैं कि क्या क्या इसके बॉक्स कंटेंट्स है और क्या ऐसी लाइट हमको मिलती है, और क्या जो है हेलोजन से अच्छी है या फिर बुरी है, क्या इसकी अच्छी बात है क्या इसकी बुरी बात है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले आपको वीडियो के नीचे एक ऐसा सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब बटन को दबा देना, और उसके साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा देना। तो जब आपने सब्सक्राइब बटन दबाए दिया तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं बाइक म्यूटर्स। और आज का जो टॉपिक है वो नाइट आई का रिव्यू करना है जो कि बैंगलोर से आया था, तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इसकी दो खासियत बता देता हूं, जिसके अंदर पहली खासियत ये है कि ये हेलोजन बल्ब से थोड़ी जो है पावर कंजप्शन कम रखता है। जो हमारे स्टॉक हेडलाइट्स के अंदर हेलोजन येलो वाले बल्ब आते हैं, नॉर्मल जो बल्ब आते हैं, तो उससे जो है ये इसकी पावर कंजप्शन जो है कम रहती है। और दूसरी खासियत इसकी ये है कि इसकी जो लाइट है उसके पीछे एक फैन लगा हुआ आता है, जैसे कि आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो वो फैन जो है वो टाइम टू टाइम इसको कूल करता रहता है, जब तक आपकी एलईडी जलती रहेगी तब तक वो फैन चलता रहेगा। तो फैन जब तक चल रहा है, नॉर्मल जैसे बाइक के अंदर कूलिंग सिस्टम होता है, वो इसका कूलिंग सिस्टम है जो कि एलईडी को जल्दी खराब होने नहीं देता। तो काफी अच्छा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर निकल कर आता है। सीधा करते हैं इसका रिव्यू और जानते हैं बॉक्स कंटेंट और क्या पैकेजिंग थी, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की काली पन्नी के अंदर जो है हमारा ये वाला बॉक्स जो है आया था। तो इस बॉक्स को भी देख लेते हैं क्या क्या है इस बॉक्स के अंदर। फ्लैश यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार ये कमरे में लाइट ऑलरेडी है काफी ज्यादा, बट इसका ना जो फोन का लेंस है ये ऑटोमेटिकली आईएसओ को कम कर देता है और ये रुक नहीं रहा है, मेरे को कोई और ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा आज फ्लैश के साथ ही शूट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए नाइट आई में नाइट आई का यहाँ लिखा रहता है ऑटो लाइटनिंग, सिंपल टू इंस्टॉल है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा वीडियो के अंदर कैसा है। एलईडी है, सेव एनर्जी मोर पावर फॉर योर कार। अब इसके अंदर दो आई है, वो कार के अंदर भी लग सकती है और स्कूटी बाइक्स के अंदर भी लग सकती है। मेरी जो है H4 की फिटिंग के साथ आई है, क्योंकि H4 जनरली हमारी एक्टिवा में, जुपिटर में, पल्सर 180, 150, अपाचे और अपाची 4V और जितनी भी सारी बाइक आती है इनके अंदर H4 ही लगती है। जिनके अंदर दो बल्ब होते हैं उनके अंदर H8 या H7 लगती है, जो कि अलग अलग उनकी बाइक के हिसाब से होता है, जैसे RC 200 हो गई, RS 200 हो गई, Pulsar 220 हो गई। तो ये इसका कलर टेम्परेचर लिखा हुआ है 6500 के और ये 9000 ल्यूमिन्स की जो है लाइट प्रोड्यूस करती है। यहाँ हमको दिख जाता है एक बार कोड जो कि मेड इन चाइना है, और लेफ्ट साइड पे बॉक्स के हमको मिलता है इसका थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है और नॉर्मल एड्रेस, फोन नंबर, URL। इस तरफ हमको खाली नाइट आई की ऑटो लाइटनिंग की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे के तरफ भी सिमिलर सा बॉक्स है फ्रंट जैसा, इस तरफ बस एक बार कोड है और इनकी कुछ स्पेसिफिकेशन। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमको क्या मिलता है, यहाँ मिलती है एक प्रोडक्ट मैनुअल मिलती है, यूजर मैनुअल जिसको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, और दो हमको लाइटें मिल जाती है। तो मैं आपको एक लाइट निकाल के दिखाता हूँ। यह नाइट आई की ब्रांडिंग, ये जिस फैन की मैं बात कर रहा था ये वही वाला फैन है। ये इसका जो है ये हीट सिंक है, ये जो है गर्म होगा और यहाँ से जब हवा जाएगी एयर पास करेगी फैन के थ्रू, तो ये जो है हीट सिंक पूरा जो है ठंडा होता रहेगा टाइम टू टाइम। बाकी H4 जो मैं कह रहा था, H4 इज दिस, ये जो होल्डर है ये H4 होता है। तो ये जनरली सारी हमारी टू व्हीलर्स के अंदर होता है जिनके अंदर सिंगल हेडलाइट होती है, और ये 3 पिन वाला प्लग होता है जिसमें से एक पावर का होता है, एक हाई बीम का होता है, एक लो बीम का होता है। उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइट किस तरीके की मिलती है यहाँ पर हमको। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि येल्लो जो LED है इसके अंदर भी काफ़ी छोटी छोटी जो है LEDs लगी हुई है, तो ये सारी मिलके एक बड़ी LED बनाती है जैसा कि यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो ये इस तरीके की जो है LED हो है इसमें तीन तरफ लगी हुई है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखें एक नीचे है, एक ऊपर है, और ये दोनों सेम हाइट पे है। दैट मीन्स कि ये दोनों जो है हमारी हाई बीम की रहती है, और ये पीछे वाली जो आ रही है एक, ये हमारी लो बीम की है। तो ये है क्या एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ कि ये LED इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है, जो हमारी बाइक्स का रिफ्लेक्टर होता है वो डिज़ाइन होता है हेलोजन बल्ब के लिए। तो हेलोजन बल्ब जो है वो पूरी जलती है और उस हिसाब से जो है रोशनी बाहर फेंकती है। तो ये स्पेशली LEDs उस हिसाब से डिज़ाइन करी गई है कि ये डायरेक्ट उसी पॉइंट को रिफ्लेक्टर पर हिट करे जैसा कि हेलोजन बल्ब के लिए डिज़ाइंड है वो रिफ्लेक्टर।
तो जो ये लाइटें हैं ये काफ़ी अच्छा जो है आपको रोड दिखाएगी। जनरली क्या होता है, जनरली होता है कि LEDs लोग लोकल ले लेते हैं और उसके अंदर क्या होता है वो रिफ्लेक्टर को हिट नहीं करती बिल्कुल सही जगह पे, और सामने से अगर कोई देखता है तो बंदे को लगता है पता नहीं कितनी तेज़ रोशनी आ रही है इसकी स्कूटी में से, बाइक में से, इसको बहुत अच्छा रोड दिख रहा होगा। बट एक्चुअली जब हम पूछते हैं या हम वो व्हीकल चलाते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं, उस व्हीकल से रोड तो दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि यार ये अलग अलग जगह पे मार्क होने बहुत ज़रूरी होते हैं और इनकी जो जगह होती है ये बहुत ज़रूरी होती है जहाँ पर इनको प्लेस किया गया है। तो उस हिसाब से यह इतना सा ही था इसके लिए ब्रीफ। ये होल्डर है हमारा सेम, इसके अंदर भी दोनों सेम लाइटें हैं, सेम होल्डर है, H4 का ही है दोनों मेरी। तो एक जाएगी एक्टिवा के अंदर, एक जाएगी पल्सर 1। अब लगेगी एक्टिवा में, ये एक्टिवा की स्टॉक लाइट है, ये हाई बीम है इसकी और ये वाली लो बीम है। तो इसकी तो दोनों ही ज़मीन पे नहीं जा रही, मतलब जा रही है आगे वो देखो, तो ये लो बीम है ये हाई बीम है। तो ठीक है, एक्टिवा की लाइट भी अंधेरी रोड पे एवरेज है। टाइम बज रहे हैं 12 रात के और अभी अभी डिनर करके आया हूँ, इसको लगाते हैं घर के नीचे या घर के अंदर। ये वाली है, ये 4G और ये भी है 4G, तो अभी इस वाले में आज इंस्टॉल करेंगे, उस वाले में नहीं। मटेरियल रिक्वायर्ड, एक टेप, एक कटर, एक स्क्रू ड्राइवर खोलने के लिए, एक थोड़ी सी वायर, और वायर के लिए ही टेप है, और एक गंदा कपड़ा, अगर आपके हाथ गंदे हो जाते हैं तो आप इसे साफ कर सकते हैं। तो हेयर यू कैन सी द एक्टिवा, एक्टिवा का हमको ये खोलना है हेड और दिस इज़ द नोज़। तो नोज़ खोलने के लिए एक पेंच इसके नीचे है, एक पेंच इसके नीचे है, और ऐसे ही एक यहाँ पर उस तरफ से, एक यहाँ पर उस तरफ से, सेम इसके लिए एक एक और एक मिडल में रहेगा और इस तरफ से भी है एक, एंड यहाँ पर एक पेंच है और सेम इधर भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रोसीजर दिखाता हूँ। तो हेड और नोज़ दोनों जो है खुल चुका है। अब मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जैसे कि BS4 स्कूटी है तो यहाँ पर जो है स्विच नहीं दिया गया है, यहाँ पर, यहाँ जो स्विच होता है स्विच नहीं है यहाँ। तो क्या करेंगे, हमारी LED में खास चीज़ है कि हाई बीम पे होती है तो तीनों LED वर्क करेगी, अगर लो बीम पे तो खाली 2 LED वर्क करेगी। तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो लो बीम का स्विच है इसकी तार काट दूँगा और इसी को एक स्विच बना दूँगा कि जब इसको ऊपर करें तब लाइट हमारी ऑन हो जाए और उसको जब नीचे कर दें तो लाइट हमारी ऑफ हो जाए। तो ये कनेक्शन जो है मैं दिखा दूंगा, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सिंपली एक स्विच यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, फिर आपकी हाई बीम लो बीम दोनों वर्क करेगी। बट मेरे केस में रात के 12:30 बजे कोई स्विच लेके नहीं बैठा है तो मैं यही यहाँ पर करने वाला हूँ। सिंपल सा ये सॉकेट है, ये रबड़ हम निकाल लेंगे, ये सॉकेट हम खोल लेंगे और मैं आगे दिखाता हूँ एक बार ही। जैसे ही हम सॉकेट खोलेंगे ये वाला तो नॉर्मल हमारा बल्ब आ जाएगा, और ये रबड़ कैप इसके ऊपर लगी हुई थी कि डस्ट ना आ जाए, तो ये रबड़ कैप हमने ऐसे पकड़ के खींच के निकाल लिया यहाँ से। तो अब ये रबड़ कैप हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे LED में जो है फ़ैन है, तो फ़ैन अगर ये हम लगाएंगे तो वर्क नहीं कर पाएगा, तो हम ये नहीं लगाएंगे वापस। नॉर्मली जो हमारा बल्ब है इसको हम बाहर निकाल देते हैं और मैं इसकी जगह पे एक LED लेकर आता हूँ और LED लगाता हूँ जो कि हमारे नाइट आई की हमको मिली है। तो स्कूटी में LED लगाने के लिए कनेक्शन जो है ये करना कंपलसरी है, बैटरी पे LED होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट करंट इन LED को चाहिए होता है। ऑल्टरनेटिव करंट की जो वायर है वो यहाँ आ रही है, मैं आपको भी दिखाऊंगा डिटेल में यहाँ से। तो ऑल्टरनेटिव करंट पर अगर इसको चलाएंगे तो भाई ये चीज़ ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको ऑल्टरनेटिव करंट पर नहीं चलाना है, डायरेक्ट करंट पर चलाना है। पीछे फ़ैन ये देख पा रहे हैं, इसी की वजह से जो है हम अभी ये वाला कवर नहीं लगाएंगे, तो कवर हटा देते हैं। तो ये सिंपली इसको होल्डर के अंदर प्लेस करना है, फ्लैश लाइट ऑन। तो सिंपली ये होल्डर के अंदर जाएगा, ये H4 है नॉर्मल, जैसा कि मैंने बताया था H4 जनरली सारी स्कूटीज के अंदर और सारे बाइक्स के अंदर जनरली और ईजिली फिट हो जाते हैं। हाँ ये लग गया। सो नाउ वापस इसको बंद करके इसके होल्डर को ऐसे प्रेस करना एंड लॉक कर देना उसकी प्लेस पे। तो ये LED आप देख सकते हैं परफेक्टली हमारा जो है फिट हो गया। सामने से देखेंगे LED कुछ इस तरीके से अंदर से नज़र आती है। तो चलिए अब इसका जो है कनेक्शन करने के लिए, ये रहा फीमेल, ये रहा मेल। तो ये सॉकेट सिंपली कनेक्ट कर देना है, इसमें हमको कोई भी तार की छेड़छाड़ी नहीं करनी है, इसको कर देते हैं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ क्या करना है हमको। ये देखें, ये जो हमारे BS4 के लिए ये खाली कनेक्शन, BS3 वाले ना करें कृपया करके इसको भाई। ये देखें इसके अंदर जो ये आ रहा है तार, मैं दिखाता हूँ खींच कर, इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। ये देखो, एक ब्लू कलर की है, एक ब्राउन कलर की है, एक वाइट कलर की है।
अब ये जो ब्राउन कलर की तार है बीच वाली, ये जो है भाई ये ऑल्टरनेटिव करंट की तार है, इसको हमको काट देना है और इसकी जगह पर ही हमको अपनी जो पावर सप्लाई इग्निशन से लेनी है वो लगा देनी है। तो क्या होगा, ऑल्टरनेटिव करंट की तार को टेप करके हम छोड़ देंगे कहीं पर भी, और जो कनेक्शन आगे कंटिन्यू होएगा यहाँ से जाकर वो आपका होएगा जो आपका डायरेक्ट करंट बैटरी से आ रहा है। डायरेक्ट करंट जो बैटरी से हमको लेना है वो हमको लेना है यहाँ से, ये अपनी चाबी लगती है जहाँ पर, ये उसी का इग्निशन का प्लग है और इग्निशन के प्लग के नीचे जस्ट इग्निशन का ये है सॉकेट। तो इस सॉकेट के अंदर हमको पॉजिटिव वाले के अंदर तार डाल लिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले ब्राउन वाली तार कट कर लेते हैं। तो ये जो नीचे से तार आ रही थी इंजन से आती है ये तार, तो भाई इसके अंदर ऑल्टरनेटिव करंट होता है। जब इंजन हमारा ऑन होता है, जब वो वर्क करना शुरू करता है, तो जो पावर जनरेट करता है वो इसके अंदर आती है, और ये जो तार है ये पावर मांग रही है। तो इसको हम पावर कहाँ से देंगे, इसको भी हम पावर देंगे यहाँ अपने इग्निशन वाले सॉकेट से, ताकि डायरेक्ट करंट इसके अंदर आए। फिर यही पावर जाएगा जब हम लो बीम करेंगे तो लो बीम से, और जब हम हाई बीम करेंगे तो हाई बीम से। तो मैं करूँगा क्या कि मैं लो बीम की तार काट के टेप कर दूँगा, ताकि लो बीम का सर्किट कंप्लीट ना हो, और लो बीम पे जब बटन हो तो कनेक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, तो लाइट ही नहीं जलेगी, ओनली हाई बीम पे जलेगी। क्योंकि अगर ऑलवेज ऑन रखूँगा तो लो बीम हाई बीम में क्या होगा कि बैटरी ऑलरेडी स्कूटियों की छोटी होती है तो लोड लेगी ज़्यादा LED पे, इसीलिए मैं इसकी लो बीम की वायर काट दूंगा। मेरे को देखना है कि लो बीम की ब्लू वाली है कि वाइट वाली है, वो मैं देखता हूँ और आगे आपको कंप्लीट करके बताता हूँ। फिलहाल इसको यहाँ से टेप कर दूंगा ताकि ये कहीं पर भी टच करके कोई शॉर्ट सर्किट ना क्रिएट करे, और इसको दे दें हम DC करंट। अब जो इंजन से तार आ रही थी उसको मैंने टेप वहीं कर दिया है, और जो ऊपर तार जा ऊपर से हमने काटी थी हाफ तार, उस पर मैंने एक्सटेंशन एक तार लगा दी है जो कि ऑल द वे नीचे तक आ रही है। तो अभी ये वाला प्लग मैं खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव इसके अंदर से कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, क्योंकि हमको खाली इसके पॉजिटिव में लगाना है, नेगेटिव में नहीं लगाना है। अगर नेगेटिव में लगाएंगे तो क्या होगा, अगर चाबी ऑफ है तो भी हेडलाइट ऑन हो जाएगी हमारी, और पॉजिटिव में क्या है, जब चाबी ऑन होगी हमारी यहाँ से उसके बाद ही जो है हेडलाइट ऑन होगी हमारी। तो उसके लिए इसको प्लग को खोलता हूँ मैं, उसके बाद दिखाता हूँ। आप इसके अंदर कोई सी भी तार डालने से पहले एक चीज़ देख लें कि चाबी जो है हमारी वो ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑन होगी तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बारी बारी दोनों के अंदर डाल के देखेंगे, जिसके अंदर नहीं चलेगी उसके अंदर डाल के हम छोड़ देंगे ऑफ स्टेज में, क्योंकि चाबी ऑफ है तो नहीं चलेगी उसके अंदर हम डालेंगे, क्योंकि चाबी ऑफ है जल्दी नहीं चाहिए लाइट। तो इसके अंदर डाली, यानी कि ये नेगेटिव है, देखो लाइट जल रही है, और इसके अंदर डाली तो नहीं जल रही, यानी कि पॉजिटिव है। तो इसी के अंदर हमको डालनी है, जो प्लग है उसको बंद कर देंगे वापस। ये प्लग मैं क्लोज कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो प्लग जो है क्लोज हो चुका है। प्लग क्लोज होने के बाद अब जो है हम चाबी यहाँ से ऑन करेंगे। हमारी चाबी ऑन करी तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई, चाबी ऑफ करी तो लाइट ऑफ हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ओनली हाई बीम करूँ तब ही जो है मेरी लाइट ऑन हो, लो बीम पे ऑन ना हो, क्योंकि मैं स्विच नहीं लगा रहा। तो अब मेरे को देखना है कि दोनों में से ब्लू और वाइट में से कौन सी जो वायर है वो लो बीम की है। जौन सी भी लो बीम की होगी उसको मैं काट दूंगा और दोनों को अलग अलग टेप करके छोड़ दूंगा। सिंपल जो है कनेक्शन है, तो चलो मैं कर लेता हूँ। अब फाइनली सारी टेपिंग टूपिंग करके मैंने ये वाला एरिया जो था सारा का सारा पैक कर दिया, और पूरी स्कूटी पैक करने से पहले एक बार चेक कर लें अपनी चाबी ऑन करके। यहाँ से मैं चाबी ऑन करके चेक कर लेता हूँ एक बार। ये हमने चाबी ऑन कर दी और लो बीम पे है लाइट, नहीं जल रही। हाई बीम पे करेंगे तो लाइट ऑन हो रही है, ये देख। तो लो बीम पे अभी ऑन नहीं हो रही, ये हाई बीम पे ऑन हो गई। अब मैं दिखा देता हूँ तीनों LED जल रही है कि नहीं जल रही। तो सबसे पहली LED फोकस करते हैं, ये वाली नीचे वाली जल रही है LED। अब हम फोकस करेंगे ऊपर वाली LED, ऊपर वाली भी ये वाली जल रही है और ये वाली भी जल रही है। तो अब आपको मैं पीछे से फ़ैन दिखाता हूँ। फ़ैन जो है काफ़ी तेज़ वर्क कर रहा है, आवाज़ जो है सुन सकते हैं पीछे के फ़ैन की, और एयर आ रही है, एवरेज एयर आ रही है, काफ़ी तेज़ जो है फ़ैन वर्क। तो लाइट ऑफ़ कर देते हैं यहाँ की, और लाइट ऑफ़ करने के बाद यहाँ जो है बिल्कुल अंधेरा छा चुका है। तो अब नाइट आई की लाइट ऑन करेंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी ब्राइट और कितनी ज़्यादा जो रोशनी है यहाँ पर हो गई है इस टाइम पे। तो रोड पे भी आपको देख ही चुके हैं पल्सर 180 में कितनी बढ़िया जो है चलती है ये। मैं हूँ करोल बाग में, गली कुछ इस तरीके से, थोड़ी यहाँ पे रोशनी ज़्यादा है, बट ये जो पैच है बिल्कुल अंधेरे का पैच है। और मैं एक राउंड भी लगा के दिखाऊंगा अभी आपको, और उससे पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। अभी मैंने स्कूटी ऑन करी और मैं डर गया कि पापा का बल्ब किसने चेंज कर दिया स्कूटी का, क्योंकि स्कूटी पापा की है। तो फिर मैंने नोटिस किया, मैंने कहा ये देखें आप भी,
येलो कलर की लाइट आएगी, मैं घबरा गया, मैंने कहा ये क्या है, लेकिन ये पार्किंग लाइट है, तो ये पार्किंग लाइट की रोशनी है और स्कूटी ठंडी है इसलिए बंद हो गई बार बार। अब ये देखो, अब मैं ऑन करता हूँ लाइट दूसरी वाली, एक बार इसको चौक खींच देते हैं ना इसका, हाँ चौक खींच दिया अब क्योंकि ठंडी है स्कूटी। अब मैं इसकी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, ये देखो, ये है एक्टिवा के अंदर लाइट, ये देखो भाई, ये है जहर, बिल्कुल जहर जो है लाइट है। मैं स्कूटी चला के दिखाऊंगा, भाई रोशनी चेक करो भाई, खाली रोशनी चेक करो लाइटों की, बहुत बढ़िया जहर लाइट, प्यारी लाइट। कभी एक्टिवा में से ऐसी लाइट निकली है क्या आपने देखा है? कभी नहीं देखा होगा, डेफिनेटली नहीं देखा होगा। चलो लाइट का व्यू देखें, फोकस देखें कितना बढ़िया जा रहा है सामने को। मैंने लाइट थोड़ी सी एडजस्ट करके नीचे कर दी थी एक्टिवा की, क्योंकि पापा तेज चलाते नहीं और पापा को थोड़ी पास की रोशनी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए मैंने नीचे कर दी थी। और बाकी आप लाइट देखें, ये देखो लाइट देखो, अब लाइट स्कूटी बंद करूंगा तो देखना भाई साहब, अंधेरा अंधेरा भूत आ जाएगा, लेकिन लाइट जहर हो गई है। अब मैं अपनी बाइक भी दिखा देता हूँ एक बारी, ये देखो वो खड़ी मेरी बाइक, तो अब मैं घर जा रहा हूँ, वापस घर चलते हैं। देखो वीडियो बनाने के लिए मैं करोल बाग तक आया।